हेलो सुरेश। तो वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट टुडे। एक नया चैप्टर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। ये क्लास लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक में होता है, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। खैर, नाम तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से ही दिया गया है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है बच्चों आपको, दिस इज एक्चुअली द चैप्टर वेर योर एंटायर मोल कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका मोल के ऊपर इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू नो द डिटेल्स ऑफ द मोल। Now, इससे जाने से पहले, before going to mole and its definition, बहुत सारा चीज होता है, I will be going to something important. तो ध्यान से देख लीजिए। First of all, what are the three important fundamental particles? तीन important particle कौन कौन सा है? सबसे important particle जो हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, one is known as the electron, number two is known as the proton, and number three is known as the neutron. Now, if you observe in details, इन तीनों का अगर चीज ध्यान से देखें, तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव इन चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिव इन चार्ज, एंड दिस इज कंप्लीटली न्यूट्रल। तो ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। क्लास 9-10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के भीतर रहता है, एंड इलेक्ट्रॉन इट इज द नेगेटिव चार्ज, दे विल बी रिवॉल्विंग अराउंड द सेंट्रल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमते रहता है ये चीज। अगर वो चीज सही है तो हम लोग अभी डिटेल्स देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। नाउ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ऐसे हम लोग डिटेल्स, इससे भी बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुका है, स्टडी किया जा रहा है। सो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m e इज नोन एज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज गिवन एज 9.1 इनटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम्स। दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन qe इज नोन एज 1.67 इनटू 10 टू द पावर -19 c। c फॉर व्हाट? कूलम्ब। कूलम्ब इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। इन दैट पर्टिकुलर केस, अगर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन रहे, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज नथिंग बट योर प्रोटॉन। अगर ध्यान से देखें, द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी, और द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब्स। If you observe, the charge of the electron is always equal to the charge of a proton. एक difference है, इसमें हम लोग ऐसे plus sign दिखाते हैं और इधर एक minus sign use किया जाता है। The only reason to give the minus and the plus sign is just to indicate that it is negatively charged. Minus का मतलब ये नहीं है कि minus the value or the magnitude is negative. ये इसका अर्थ नहीं है. It is not the meaning of this. Now, charge of the proton, Qp is equal to plus 1.67 into 10 to the power minus 19 coulomb. तीसरा जो important चीज था, वो क्या था आपका? Neutron. Neutron का mass is 1.68 almost into 10 to the power minus 27 kg. But if you ask me about the charge of the neutron, is zero, completely neutral. क्योंकि कोई उसमें positive charge या negative charge नहीं है, इसीलिए हम लोगों को पता है कि इट डज नॉट कैरी एनी चार्जेस, तो इट्स चार्ज इज अज्यूम टू बी जीरो। ये आप लोग लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सब चीज आपको जानने के लिए। खैर, दूसरे पॉइंट्स पे चलते हैं अभी। ना इफ यू ऑब्जर्व समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, अगर कोई आप एक एटम मान लो, इफ यू टेक अ आर्बिट्ररी एटम, Dalton's atomic theory states that an atom consists of many particles. लेकिन उसमें एक चीज उसने हम लोगों ने जब हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े हैं रदरफोर्ड के बारे में, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें एक चीज होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ये मेन चीज है। इसके भीतर दो चीज रहता है, कौन कौन सा? P फॉर प्रोटॉन एंड N फॉर न्यूट्रॉन। अगर ध्यान से याद किया जाए तो बाहर में होता है ऑर्बिट्स, दीज आर द ऑर्बिट्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली दैट दिस इज द के सेल, दिस इज नोन एज द एल सेल। एक और अगर बड़ा ऑर्बिट ले लिया जाए तो
तो उसको हम लोग एम शेल लिखते हैं एंड सो ऑन. इफ दिस इज करेक्ट देन लेट्स गो समथिंग इनटू मोर डिटेल्स. अगर ये सब ऑर्बिट्स है और इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर ऑर्बिट्स पे कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन इट मूव्स, और इतर न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. अगर ध्यान से देखा जाए इन सब चीज में एक पॉइंट है. इफ नाउ आई आस्क यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव स्टडीड इन क्लास 9 कि एटॉमिक मास क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास. नाउ आप लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ा होगा इट इज गिवन एज द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 आइसोटोप. ध्यान से मैं फिर से बोलता हूं, आप लोग नोट कर भी सकते हो कि इट इज द मास ऑफ, आप लोगों ने पढ़ा होता है बहुत कॉमन चीज होता है ये, इट इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 आइसोटोप. मतलब 1/12 एक कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप होता है उसका एटॉमिक मास हम लोग 12U लिख देते हैं. फिर अगर एटॉमिक मास को हम लोग डिफाइन करते हैं इस 1/12 से डिवाइड करने के बाद 12U से हम लोग को 1U आता है. यहां हम लोग का कंफ्यूजन रह जाते हैं, बहुत कोचिंग में बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ाया जाता है. आज हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे हाउ टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास. एटॉमिक मास भी है क्या, थोड़ा ध्यान से देखते हैं. When you talk about an atomic mass, an atom consists of three things we know: electron, we get a proton, and we also get a neutron. For याद कीजिए, mass of a proton by mass of an electron का ratio ले लेते हैं. Mass of the proton कितना था बच्चों? 1.67 into 10 to the power minus कितना था? 27 kg divided by the mass of an electron. एक electron का mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. इन दोनों का अगर रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेटर्स में भी इसका एक रेशियो मिलता है, इट्स ऑलमोस्ट 1.836. मतलब ये पता चलता है कि मास ऑफ द प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1836 टाइम्स. मास ऑफ द प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1836 टाइम्स द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अगर आपको कोई फिजिक्स स्टूडेंट या आपको एक फ्रेंड या आपको फैकल्टी पूछते कि मास ऑफ द न्यूट्रॉन बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है, तब भी आंसर सेम होगा. तब भी आंसर सेम क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा याद है, आपको मैंने आज दिखाया है कि मास ऑफ द प्रोटॉन कितना था 1.67 इनटू 10 टू द पावर माइनस 27 और मास ऑफ द न्यूट्रॉन कितना था बच्चों, इट इज नथिंग बट 1.68 इनटू 10 टू द पावर माइनस 27. मतलब एक प्रोटॉन की मास और एक न्यूट्रॉन की मास ऑलमोस्ट सेम होती है. In that particular case, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है तो उन लोगों का रेशियो भी सेम होगा. That's why we confirm कि इसका भी आंसर आपको सेम आता है. कभी भूल मत जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कहीं ऑब्जेक्टिव में नॉर्मल आपके स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में या कहीं पर आपके एंट्रेंस में भी आ सकता है कि प्रोटॉन की मास इलेक्ट्रॉन के मास से कितना टाइम बड़ा है. ये नंबर भूल मत जाइए बच्चों. कितना है बच्चों? 1836 टाइम्स. लिख लीजिए, नोट कर लिया होगा शायद आप लोगों ने. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ बच्चों पढ़ना है बहुत लोग आपको. अच्छा तो वन थिंग आई हैव कम टू नो कि द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स बिगर. अब आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो. जब हम लोग एटम लेते हैं, कोई एक एटम लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट एटम लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन, नीचे वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, याद है? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ protons or it is also equal to number of electrons if the atom is uncharged. It is equal to the number of protons or it is equal to the number of electrons if the system is uncharged. ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? मास नंबर. तो मास नंबर हम लोग कैसे करते हैं? It is equal to the number of neutron plus proton. ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का ऊपर का वैल्यू, नीचे का वैल्यू प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन अगर अनचार्ज्ड हो. लेकिन अगर यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक हाइड्रोजन एटम में कितना मास, कितने प्रोटॉन्स हैं, तो नीचे से पता चलेगा कि प्रोटॉन एक है, यहां पर चार्ज वगैरह तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना आएगा, एक.
ऊपर से कितना वैल्यू आएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन एटॉमिक सॉरी मास नंबर क्या होगा यहां पर वैल्यू 1, तो n प्लस p इक्वल टू 1, p की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू क्या होगी बच्चों 0, सो आई विल कम टू नो इफ देयर आर 0 न्यूट्रॉन्स इन अ हाइड्रोजन एटम। अगर 0 न्यूट्रॉन है, इफ देयर इज नो हाइड्रोजन एटम में कोई न्यूट्रॉन ही नहीं है, तो पूरा हाइड्रोजन एटम का जो मास है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन अगर आपको आज से पूछे, दैट मींस यू विल हैव और यू विल कंसीडर द मास ऑफ हाउ मेनी प्रोटॉन्स 1 प्रोटॉन प्लस द मास ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमको पता है कि यहां पर हम लोग न्यूट्रॉन नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि न्यूट्रॉन यहां पर है ही नहीं, हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। नाउ व्हाट वर द वैल्यूज, एक प्रोटॉन का मास था 1.67 into 10 to the power minus 27 kgs और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था बच्चों 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs। थोड़े देर पहले याद करिए बच्चों, हम लोगों ने ये बोला था कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से इतना भारी है कि आज से याद रखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग कभी नहीं लेते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास, कभी मत भूलिए बच्चों, ठीक है। फिर से बताता हूं, क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से कितना बड़ा है 1836 टाइम्स, दैट इज व्हाई वी कंफर्म इन वन पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कभी भी एटॉमिक मास में लेंगे नहीं, बहुत छोटा है, इसको काट दीजिए, कभी यूज नहीं करेंगे, कोई भी फैकल्टी बोले आप टेंशन ना लीजिए, इलेक्ट्रॉन की मास हम लोग कभी लेते ही नहीं। तो यहां पर आ गया 1 प्रोटॉन से बच गया, ये जो वैल्यू है बच क्या गया 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, इसको तो अपन लोगों ने काट ही दिया, तो ये जो वैल्यू होगा इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं 1U, इसी चीज को हम लोग 1U बोलते हैं। इसका एक दो नाम होता है, U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, कभी कभी U के जगह पर 1AMU भी लिखते हैं, 1AMU भी लिखते हैं, और इस 1AMU का नाम क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट। फिर से बताता हूं बच्चों, फिर से रिवाइज कर देता हूं, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कभी मत भूल इस पॉइंट को। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हम लोगों को पता चला कि यहां पर प्रोटॉन कितना है 1, इलेक्ट्रॉन कितना है 1, न्यूट्रॉन कितना है 0, तो न्यूट्रॉन का तो मास आएगा ही नहीं, बच क्या गया मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। पता चला था कि मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज वेरी वेरी बिग देन द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है नंबर वन बोलो कितना है 1836 1.6, अब ये तो कट गया, हम लोग यूज ही नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन को, बच क्या गया है प्रोटॉन, इसकी वैल्यू क्या थी 1.67 into 10 to the power minus 27 kgs, जिसकी वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं 1U। U का मतलब क्या होता है बच्चों यूनिफाइड मास, कभी कभी कोई किताबों में क्या लिखा जाएगा 1AMU और 1AMU का मतलब क्या है 1 एटॉमिक मास यूनिट, लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है लेकिन ध्यान से देख लीजिए। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन ऐसे लिख दिया, तो नाइट्रोजन ऐसे लिखने के बाद दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन नाइट्रोजन, वन नाइट्रोजन का ध्यान से देखिए यहां पर प्रोटॉन कितना होगा, नीचे वाले कितने प्रोटॉन्स कितने 7, इलेक्ट्रॉन्स कितना 7, ऊपर कितना है 14, मतलब n plus p is equal to what students 14, न्यूट्रॉन का वैल्यू इज 14 माइनस p, p कितना है, p कितना है 7, डाल लीजिए कितना मिलेगा 7 न्यूट्रॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स 7 प्रोटॉन्स। इस बार फंस गए, इस बार क्यों फंस गए, क्योंकि इस बार न्यूट्रॉन है, पिछले केस में तो न्यूट्रॉन था नहीं इस पॉइंट पे। सो नाउ इफ यू टेक द मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, इसका मतलब अपन लोगों को क्या क्या लेना पड़ेगा, 7 प्रोटॉन का मास, 7 प्रोटॉन का, 7 इलेक्ट्रॉन का, और 7 क्या है यहां पर न्यूट्रॉन का। लेकिन अभी पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने क्या समझाया कि क्या इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज वी नो कि प्रोटॉन के मास से या न्यूट्रॉन के मास से इलेक्ट्रॉन कितना छोटा, कितना चांस छोटा है
1836, 1836 गुना छोटा होगा तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, बचा क्या 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। अब एक बात बताइए, वी ऑल नो कि मास ऑफ द प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूट्रॉन। हम लोगों ने वैल्यू डिस्कस किया, ध्यान से देखिए थोड़ा, प्रोटॉन का मास कितना था, बार बार बोल रहा हूँ 1.67 इंटू 10^-27 किलो। न्यूट्रॉन की मास कितनी थी 1.68 इंटू 10^-27 किलो, ऑलमोस्ट सेम है। मतलब हम लोग को चीज पता चल चुका है कि प्रोटॉन के जगह पर न्यूट्रॉन लिख सकते हैं या न्यूट्रॉन के जगह पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन। इधर 7p प्लस 7n है, तो मैं मान लेता हूँ इस n को p बना देता हूँ, आप इच्छा करो p को n बना दो, मैं n को p बनाता हूँ, कोई भी आप काम करो, आपको यहाँ पर 7p प्लस 7p आएगा, मतलब कितने p आ जाएंगे 14p। अच्छा एक बात बताइए, 14p आ गया आपका, आपको पता चला ये चीज, तो डिटेल्स में क्या आपको पता चला कि 14p का मास है, मतलब 14 प्रोटॉन्स। 1.6 प्रोटॉन का मास कितना था बच्चों, 1.67 इंटू 10^-27 किलोग्राम, 1.67 किलोग्राम, इसका कितना आएगा बच्चों, इसका मतलब क्या था, बताया था ना अपन लोगों ने क्या 1U या 1 U, तो 14 इंटू 1U का मतलब क्या आएगा 14U, दिस इज द एटॉमिक मास। आज क्लियर है बच्चों एटॉमिक मास का डेफिनेशन। कि आपको एक चीज बताता हूं, इन दोनों में से एटॉमिक नंबर और ऊपर मास नंबर में से जो ऊपर में होगा, जो मास नंबर होता है वही आप डायरेक्ट लिखें, क्योंकि वही आपका मास होता है, एटॉमिक मास होता है। अगर आपको अभी पूछा जाए, इफ समवन आस्क यू इन अ पॉइंट, कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऊपर बोला था ऊपर कितना है 16, डायरेक्ट लिखो 16। What is the atomic mass of carbon? ऊपर कितना है? 12, direct 12 लिखो। What is the atomic mass of helium? ऊपर कितना है? 4, direct 4 लिखो। तो ये बात आज से clear हो चुका है बच्चों कि atomic mass is nothing but ऊपर जो mass number होता है वही express हो जाता है। लेकिन इस पूरे system में मैंने आपको एक चीज दिखाया है, आप लोगों ने बहुत लोगों ने इसको details में नहीं दिखा। आपको पता है कि मैंने हमेशा यहाँ पर क्या लिखा है, mass of one nitrogen atom या मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, मतलब जब एक एक एटम का बारी आता है, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों इसको, जब जब एक एक एटम की बारी आती है तब आप यूज करते हैं एटॉमिक मास। व्हेन यू आर यूजिंग वन एटम द नेम इज एटॉमिक मास, व्हेन यू विल बी यूजिंग वन मोल देन यू विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। ये बच्चे को नहीं क्लियर कराया जाता है, मैं फिर से बता रहा हूं, व्हेन यू आर यूजिंग एटॉमिक मास यू आर रेफरिंग टू वन एटम, एक एटम, ठीक है, एटॉमिक मास मतलब एक एटम। लेकिन आप जब ग्राम एटॉमिक मास पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, देन इट इज नथिंग बट रिलेटेड टू वन मोल एटम्स, ठीक है। तो फिर से हम लोग थोड़ा देख लेते हैं चीज का, एक छोटा सा डिस्कस करते हैं हम लोग ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास को मैंने क्या बोला था, कितने एटम्स होंगे, वन मोल एटम्स, वन मोल एटम्स। अब आ गया फंस गया नया चीज, सर ये मोल क्या है, मोल का मतलब बहुत सारा चीज हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको पूछा एक दर्शन कितना होता है, आप बोलते हो 12, ये सुनो 1 सेंचुरी 100, ऐसा एक क्विंटल कितना बोलते हैं, एक क्विंटल का अगर 1 क्विंटल अगर आपके पास चावल है तो इसका मतलब 100 kg चावल है, 1 टन चावल है मतलब 1000 किलो चावल है, 1 दर्जन बनानास है इसका मतलब क्या है 12 बनाना है, तो इट्स अ फिक्स पॉइंट कि डजन मतलब 12, 1 दर्जन मतलब आपका 12 हो गया, क्विंटल का मतलब आपका 100 हो गया, फिर टन का मतलब 1000 हो गया। वैसे ही आपको एक फिक्स नेम होती है, उसी तरह एक फिक्स नेम होती है मोल। मोल का वैल्यू होता है 6.022 × 10^23, कुछ भी चीज हो सकते हैं बच्चों, 6.022 × 10^23, और इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, Na से लिखते हैं नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर, ये लिख लीजिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। तो 6.022 × 10^23 को आप लोगों को जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो एक बात आता है कि ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है, तब
आप लोग वीडियो को पॉज करके ये लिख लीजिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इस पॉइंट को। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताया है कि एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन अगर ऊपर 12 और नीचे 6 है तो 12 के जगह पर क्या लिखेंगे 12 ही। और बहुत कोचिंग में, बहुत स्कूल्स में ये पढ़ाया जाता है कि दिस इज इफ ग्राम एटॉमिक मास अगर लिखा जाए तो आपको, ऑफ कार्बन ही पूछा जाए तो आपको 12 ग्राम लिखना है। लेकिन फैकल्टीज या टीचर्स बताते नहीं सर यू से जी कैसे आता है, ये आज आपको क्लियर करवा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, मैंने बताया है कि ग्राम एटॉमिक मास मतलब कितना है, मैंने बताया था इसमें 1 मोल एटम्स है, बताया था थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में भी बताया है। एटॉमिक मास मतलब कितना एटम है, 1 एटम है। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास में कितना एटम है, 1 मोल एटम है। ठीक है, मान लीजिए GAM शॉर्ट लिख रहा हूं, किसके लिए शॉर्ट लिख रहा हूं, ग्राम एटॉमिक मास के लिए। ठीक है, GAM ग्राम एटॉमिक मास। अब कार्बन अगर पकड़ लें, ऊपर कितना है 12, आपको बताया गया है कि 12 जी लिखो, ये जी कैसे आया ध्यान से देखते हैं। पहले बताओ कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, इसकी वैल्यू है 12U। ये सुनो सभी बच्चा, ऊपर बताया था ना, एक 12 मोल से 12 लिख दो, और एटॉमिक मास मतलब कितने एटम्स है बच्चों, 1 एटम है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 12U। अब इसमें एक एटम का मास जो होगा वो 12U होगा, क्योंकि बार बार बोला है कि एटॉमिक मास इज नथिंग बट हाउ मेनी एटम्स, 1 एटम। सो एक एटम ऑफ कार्बन का मास कितना हो गया 12U। अगर एक एटम का मास 12U है, 12U का मतलब क्या है बच्चों, 12 × 1.67 × 10⁻²⁷ kgs, 12 × 1.67 × 10⁻²⁷ kgs, ये आपका 12U। अगर ये ठीक है तो थोड़ा और डिटेल्स पे देखते चीजों को, लिखिए इसको, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम प्रूफ करेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास कैसे 12 ग्राम आता है। ठीक है, लिख लिया, नोट कर लिया, ओके। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट पॉइंट। सो आई हैव कम टू नो कि एक एटम का मास इतना है, ठीक है, 1 एटम ऑफ कार्बन, इसका मास कितना मिला 12 × 1.67 × 10⁻²⁷ केजी। अच्छा एक बात बताओ, अगर केजी को हटा दो और सिर्फ ग्राम रखो, मतलब इसको 10³ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमको पता है कि 1 किलो इज इक्वल्स टू 10³ ग्राम, 1 किलो कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, तो 10³, ये 10³ और −27 मिलके कितना बन जाएगा बच्चों, −24 ग्राम्स हो गया बच्चों। अब आपको मैं बता रहा था कि मुझे प्रूफ करना है कि ग्राम एटॉमिक मास का ऑफ कार्बन का कितना वैल्यू है 12G। एक काम करते हैं, अपन लोगों को पता है कि एक एटम का मास कितना है, हमने 12 × 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, पहले तो किलोग्राम था, फिर हम लोगों ने कन्वर्ट कर ली। अब एक काम करते हैं, इसको 12G जो चाहिए उसको छुपा के रखता हूं, ठीक है, तो 12G को एक तरफ रख लीजिए, 12 और जी को इसको नीचे खींचे आएंगे, तो ये 1 / 1.67 × 10⁻²⁴ एटम ऑफ कार्बन हो गया। हो गया बच्चों, ये तो बताया गया आपको यूनिटरी मेथड, नीचे खींच के आया आपने, ऊपर चला जाएगा, मतलब 10⁻²⁴ / 1.67 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। ठीक है, अब 10⁻²⁴ को आप ऐसे भी लिख सकते हो 10³ × 10, ये मैथ्स का बहुत ही कॉमन वाला चीज है जो आप सबको शायद पता भी होगा कि 10⁻²⁴ को अपन लोग 10³ × 10 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर क्या होती है 1। तो अभी ध्यान से देखिए 10 / 1.67, आप कैलकुलेटर में यूज कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू 6.022 आएगी, परफेक्ट करके अगर आप करें, × 10³ एटम्स ऑफ कार्बन की वैल्यू क्या आ गई 12 ग्राम। बच्चा लोग अपन लोग बोले थे इस चीज को नाम क्या है, इस चीज का नाम क्या होता है, 1 मोल, 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन का मास कितना आ गया बच्चों 12 ग्राम। और अपन लोगों ने बोला था कि 1 मोल एटम्स का मतलब क्या है,
अगर एक मोल एटम्स का मास कैलकुलेट करें उसको क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। बताया था, याद करिए, बताया था आज की वीडियो में, बताया था कि ग्राम एटॉमिक मास मतलब वन मोल ऑफ एटम्स। तो आज से ये पता चला बच्चों, जब एटॉमिक मास डिस्कस करेंगे तब हम लोग एक एटम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जब ग्राम एटॉमिक मास यूज करेंगे तब हम लोग कितने एटम यूज करेंगे? वन मोल कार्बन एटम्स। ठीक है, इसी के चलते इस पहला वीडियो को हम लोग आज कंक्लूड करते हैं। वी विल बी गोइंग मोर इनटू मॉलिक्यूलर मासेस, ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस, परसेंटेज कंपोजिशंस, बहुत सारा चीज होगा। आप लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद मुझे डाउट्स वगैरह पूछिए, सब कुछ ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे। और जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इसके साथ आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपके बेल आइकन है उसमें आप दबाइए और आपको पूरा डिटेल्स मिलते जाएगा। वी विल बी अपलोडिंग इन वेरी मच सून टाइम। ठीक है, थैंक यू बच्चों।